हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। आज हम इस कूलर मोटर को रिवाइंडिंग करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम इसके स्टेटर की कोर देख लेते हैं। यह 1 इंच की स्टेटर कोर है। तो सबसे पहले हम इस कूलर मोटर को सीरीज लैंप के द्वारा टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें 4 वायर बाहर निकलते हैं, जिसमें नीला, काला, लाल, सफ़ेद। इसमें नीला वायर कॉमन वायर होता है, जिसमें कि हम सीरीज लैंप का 1 वायर लगाते हैं। बाकी 3 वायर स्पीड के होते हैं, जिसमें कि हम सीरीज लैंप से टेस्ट करते हैं तो बल्ब पूरी तरह फुल जल रहा है। इसका मतलब हमारा कूलर मोटर शॉर्ट है। तो इस कंडेंसर को हम एक पेचकस की सहायता से शॉर्ट कर लेते हैं, ताकि इस स्थिति में कभी कभी कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। यह 4 MFD का कैपेसिटर है। तो अब हम कूलर मोटर को ओपन कर लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह कॉपर में बाइंड की गई है। इस प्रकार अब हम इस कूलर मोटर को पूरी तरह खोल लेते हैं। तो इसमें 4 कॉइल रनिंग होती हैं और 4 कॉइल स्टार्टिंग होती हैं, जिससे कि अब हम इन कॉइल के बार को बाहर निकाल लेते हैं। जिस प्रकार वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से स्टेटर से वायर को बाहर निकाला जाता है, जिससे कि वायर आसानी से स्टेटर से बाहर निकल आता है। यह देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार कॉइलों को काट लिया है। अब हम 2 टायरों को बीच में स्टेटर को रख कर इस प्रकार वायर को बाहर निकाल लेते हैं। नॉक प्लास की मदद से भी हम वायर को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। कॉइल निकालते समय हम 1 कॉइल रनिंग का और 1 कॉइल स्टार्टिंग का बाहर निकाल लेते हैं, ताकि उसके द्वारा हम रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल को आसानी से बना सकें। यह हमारी रनिंग कॉइल है और यह हमारी स्टार्टिंग कॉइल है। तो सबसे पहले हम रनिंग कॉइल को इस प्रकार अलग अलग कर लेते हैं, जो कि जलने के कारण चिपक गई है। हमने कॉइलों को अलग अलग कर लिया है। अब हम एक वायर की मदद से इस कॉइल की लेंथ निकाल लेते हैं। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से कॉइल की लंबाई निकाल सकते हैं। वायर के जलने के कारण कॉइल छोटी हो जाती है। इस प्रकार हम कॉइल को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। यह देखिए दोस्तों, अब हम
इस वायर को मीटर की मदद से देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम कॉइल की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। यह देखिए दोस्तों, इसमें 35 इंच कॉइल दिखा रहा है, जिसको कि अब हम 36 या 36.5 भी कॉइल बना सकते हैं, क्योंकि जलने के बाद कॉइल का नाप सही नहीं रहता है। इसी प्रकार हम स्टार्टिंग कॉइल को भी नाप लेते हैं और इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह कॉइल 31 इंच दिखा रहा है। इस प्रकार हम कॉइल की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम रनिंग कॉइल के वायर को एक एक करके गिनती लगा लेते हैं, जिससे कि हमें इसके राउंड की जानकारी हो जाती है। इसमें कुल टोटल 95 टाइन है और यह हमारी स्टार्टिंग कॉइल है, जिसके भी हम वायर को गिन लेते हैं। इस कॉइल में 115 वायर हैं। इसी प्रकार हम इसका SWG यानी वायर गेज भी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसके इंसुलेशन पॉलिश को जला लेते हैं और इस माइक्रोमीटर स्क्रू, हम स्क्रू गेज भी बोलते हैं, इसके द्वारा भी हम इसका SWG निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसका गेज वायर निकालते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह रनिंग कॉइल हमारा 30 नंबर दिखा रहा है। इसी प्रकार हम स्टार्टिंग कॉइल का SWG भी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसके पॉलिश को अलग कर लेते हैं और स्क्रू गेज की सहायता से वायर गेज निकाल लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह 32 नंबर गेज दिखा रहा है। इस प्रकार हम यह डाटा तैयार कर लेते हैं, 1 इंच तांबा कूलर डाटा, जिसमें कि कॉइल 8 होती हैं, इसकी स्लॉट 24 होती हैं। यह देखिए दोस्तों, रनिंग कॉइल का गेज 30 नंबर, टर्न 95, लंबाई 35 इंच, पिच 1-4 में 2 बार, 1-6 में 3 बार। उसी प्रकार ये स्टार्टिंग कॉइल का डाटा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं और कूलर मोटर बाइंडिंग करते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें पेपर लगा लेते हैं। यह 7 नंबर फिल्म पेपर सीट है, जिसको कि इस प्रकार हम इसका फ्रेम बना लेते हैं। इस प्रकार हम
पेपर को मोड़ते हैं और चाकू की सहायता से पेपर को काट लेते हैं और बड़े ही आसानी से एक फ्रेम तैयार करके बाकी सभी फ्रेम इसमें लगा लेते हैं। इस प्रकार हम पेपर को काट लेते हैं और एक सही फ्रेम बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार हम पेपर को मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद स्टेटर में इसको लगाते हैं। यदि पेपर बड़ा होता है तो हम इसकी छटाई कर लेते हैं और फिर इसको मोड़कर स्टेटर में लगा लेते हैं। इस प्रकार यह इसका एक फ्रेम तैयार हो गया। इसी के द्वारा हम सभी स्लॉटों में पेपर लगा लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, पेपर हमने लगाकर स्टेटर को बाइंडिंग के लिए तैयार कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसकी कॉइलें बनाना और इसको बिठाना दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।